हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, ये वीडियो है आध्या का रूटीन वीडियो, यानी मैं जब आध्या को स्कूल भेजती हूँ तो कितने बजे उठती हूँ और उसके लंच बॉक्स में क्या रख रही हूँ, उसमें से एक वीडियो है। यानी एक दिन मैंने लंच में क्या रखा था वो वीडियो है ये। एंड वो इसमें मैं आध्या का स्कूल जाने तक का पूरा रूटीन है वो दिखाने वाली हूँ। सो दोस्तों, सुबह 6:30 बजे मैं उठ जाती हूँ, कभी कभी 6 बजे भी उठना होता है, बट ये वीडियो जो है मैं 6:30 बजे उठी थी, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया। तो 6:30 बजे मैं उठ गई थी। सबसे पहले मुझे झाड़ू वगैरह लगानी होती है, और आप लोगों को पता है इस टाइम मेरी बहन आई हुई है घर पे, तो जब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ तो वो पोछा लगा देती है, तो मेरा काम ना बहुत आसान हो जाता है। और अभी मैं किचन में आ गई थी आध्या के लिए सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आलू की सब्जी है जो कि जीरा राई हींग से तड़का दे के छौंकी है। आलू की एक ऐसी सब्जी होती है जो हर बच्चे को पसंद होती है, जब भी कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं ये बना देती हूँ, या फिर घर में पनीर रखा हो तो बहुत जल्दी से पनीर वाली सब्जी भी ड्राई वाली बन जाती है, वो भी आध्या को बहुत अच्छी लगती है। अलग अलग मैं टिफ़िन में आध्या को कभी कुछ देती हूँ, कभी इडली दे देती हूँ, कभी कुछ और। तो आप लोग अगर मुझसे बताएं पूछेंगे तो मैं आप लोगों के साथ में धीरे धीरे करके एक एक रूटीन शेयर करती रहूँगी एक एक दिन का। फिलहाल आध्या के लिए सब्जी है वो पकती रहेगी, और मैं सब्जी छौंकने के बाद नहाने चली जाती हूँ। और यहाँ पर मैं आध्या को एक बार जगा जाती हूँ, और राखी भी आई हुई है, आध्या को जगा रही है। थोड़ा सा नखरा करता है ये बच्चा, करीबन 7 बज गया है और 8 बजे की आध्या का स्कूल है, तो 7 बजे से उठाना स्टार्ट करती हूँ। 15-20 मिनट लग जाता है इसको इधर उधर लौटने में, इधर उधर पलटने में, और फिर ये उठ जाती है। और जैसे ही इसको थोड़ी सी वो होता है ना नींद से उठना सुध आना, तब ये उठती है, तो फिर जाके ब्रश वगैरह करती है। ब्रश वगैरह कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, आराम से वो कर लेती है। और बस मैं नहा कर आ चुकी हूँ, नहाने के बाद मैं आकर यहाँ पे पराठा सेकने लगी हूँ आध्या के लिए। कभी कभी मैं सादा पराठा दे देती हूँ, कभी कभी नमक मिर्च, उसमें जो कसूरी मेथी आती है वो सारी चीज़ें ऐड करके लच्छा पराठा जैसा बना कर दे देती हूँ। बहुत सारे ऑप्शन्स है टिफ़िन में देने के लिए, आपको जो देना है, आपको बच्चा जो खाना पसंद करता है वो दीजिए। कोशिश करिएगा वही चीज़ें दी जाए जो बच्चा को पसंद हो, स्कूल जाके वो उसे फिनिश करके आए। अगर डब्बा खाली आता है तो मम्मा को भी अच्छा लगता है और बच्चा खा का पेट भी भर जाता है। तो यहाँ पे मैं एक पराठा थोड़ा सा मोटा सा थोड़ा सा बड़ा सा मैं बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, मैं दो नहीं खाऊंगा, मैं एक ही खाऊंगा, तो ऐसे करके ना अगर छोटा सा बना देंगे तो उसके पेट में नहीं जाएगा, कम ही जाएगा। सो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा बड़ा सा बना दूँ। और आपको पता ही है मेरे हस्बैंड टीचर हैं, तो साथ ही साथ मेरे हस्बैंड को भी टिफ़िन बॉक्स तैयार करना पड़ता है, बट आज वो टिफ़िन नहीं लेके जा रहे हैं, सो मुझे आध्या के लिए बनाना पड़ा। वरना मुझे आध्या जो टिफ़िन जो होता है वो मेरे अपने हस्बैंड के लिए भी बनाती हूँ, और वही चीज़ आध्या के लिए भी रखती हूँ। सो बट आज सिर्फ आध्या के लिए जा रहा है, मेरे हस्बैंड घर आके खाएंगे। सो उनके लिए मैंने इस तवे पे घी लगाकर ब्रेड सेकने के लिए रख दी है। यहाँ पे आध्या का जो ये पुराना वाला लंच बॉक्स है अभी मैं यही यूज़ कर रही हूँ, बहुत जल्द मैं नया लंच बॉक्स लेने वाली हूँ, उसी में मैं आध्या को दूंगी। और कोशिश करूँगी कि मैं स्टील का ही लाऊं, क्योंकि मुझे प्लास्टिक के ढक्कन या प्लास्टिक का लंच बॉक्स नहीं यूज़ करना है, और आप लोग भी ना यूज़ करें। सो बस यहाँ पे मैं ब्रेड सेक रही हूँ, चाय ब्रेड मैं अपने हस्बैंड को दूंगी। आध्या को मैं खाली पेट कभी नहीं भेजती, कुछ ना कुछ खिलाती हूँ। सो यहाँ पर आध्या को मैंने नहला दिया था, और राखी है पोछा लगाई थी पूरे घर में, उसके बाद यहाँ पे आध्या को सॉक्स पहना रही है, ड्रेस पहना रही है, सैंडल पहनाएगी, यानी इसकी जो जूतियाँ हैं वो पहनाएगी, टाई बेल्ट है वो सब लगाएगी। तो ये सारा काम ना राखी है जब तक है तब तक वो कर रही है, और आध्या भी बहुत आराम से उससे करवा लेती है। तो यहाँ पे देखिए, और आध्या को स्कूल में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, बच्चे ना गर्मी हो भी बहुत रही है, बच्चे जो टाई बेल्ट ये सब चीज़ें सॉक्स वगैरह पहन के जाते हैं, तो हम लोग जब चप्पल पहन के रहते हैं तो गर्म हो जाता है ना पैर तलवा, बहुत गर्म हो जाता है। सो वही आध्या के साथ होता है, तो वो बोलती है मम्मा मेरा ऊपर वाला बटन मत लगाइएगा। सो यहाँ पे मैंने बताया था राखी को, तो राखी ने ऊपर वाला बटन नहीं लगाया, थोड़ी सी लूज टाई बांधी है, यहाँ पे बेल्ट वगैरह लगा के तैयार हो जाएगी। एंड अभी हेयर कॉम करना बाकी है, वो सब करके तैयार करूँगी, फिर मैं आध्या को कुछ ना कुछ खिलाती ज़रूर हूँ। खाली पेट कभी नहीं भेजती हूँ, और कभी नहीं भेजना चाहिए, वरना बच्चे को पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है।
यहाँ पे मैं अभी आध्या के लिए दूध ब्रेड मिलाकर लेकर आई हूँ, क्योंकि आध्या क्या कर रही थी कि मम्मा मुझे दूध ब्रेड खिला दो। तो मैं यहाँ पे ब्रेड जो भूनी थी, मतलब सेकी थी मैंने, वही ब्रेड को उसमें डाल दिया है दूध में। सो बहुत ही सॉफ्ट हो गई है, अब मैं इसे खिला रही हूँ। अच्छा, बच्चे नखरे करते ही हैं। आध्या जब और छोटी सी थी तब मैं जब आध्या को खिलाती थी, कैसे किस तरीके से खिलाती थी कि मैं आपको बताती हूँ। मैं आँख बंद कर लेती थी, स्पून में भर लूँगी और बोलूँगी देखो कौन खाएगा, आध्या खाएगी कि बिल्ली खा जाएगी। सो इस तरीके से करने से आध्या खा जाती थी और मैं बार बार यही कहती थी कि देखो बिल्ली खा गई, आध्या ने तो खाया ही नहीं। ऐसे करते करते बच्चा खा भी लेता है। सो आध्या आज बहुत ज़्यादा कह रही थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना है और मुझे कुछ खाना नहीं है। फिर थोड़ी देर उसका स्कूल जाने का मन किया तो खाना खाने का, ये कुछ खा के नहीं जाने का मन किया। सो वही मैं इससे प्यार से इस तरीके से बातें करते करते खिला रही हूँ। सो आप लोग देख ही सकते हो एक मॉम को कितना कुछ करना पड़ता है, साथ में बनाओ भी, तैयार भी करो और बच्चों को खिलाओ, उनके नखरे भी झेलो। ये देखो मम्मा अब मैं नहीं खाना, बस मैं बोल रही हूँ लास्ट बाइट बचा हुआ है, अब तो खा लो। ये मेरे हस्बैंड भी स्कूल के लिए जा रहे हैं, तो साथ ही साथ जाते जाते आध्या को भी स्कूल छोड़ देते हैं, तो वो पानी की बोतल मैं भरना भूल गई थी, तो वहाँ पर वो पानी की बोतल भर रहे थे। तो बस इस तरीके से मैं आध्या को स्कूल भेजती हूँ तैयार करके। तो आप लोग साथ मैंने शेयर किया हुआ है, अभी मैं आध्या की बुक्स वगैरह भी चेक करूँगी। आध्या का लंच बॉक्स है वो रख ही दिया है मैंने, और आध्या के बुक्स मैं चेक कर रही हूँ कौन कौन सी बुक्स लेके जा रही है, क्या लेना है। इसकी डायरी में लिख के आ जाता है कि कौन सी लेनी है, लेके आनी है, क्या होमवर्क करना है, क्या लर्न कराना है, तो वो सारी चीज़ें मैं चेक कर रही हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें रख देती हूँ। और आध्या भी धीरे धीरे सीख रही है अपनी चीज़ें रखना। और बीच में दक्ष भी जग गया था, आज मेरे साथ डबल टास्क हो गया था, क्योंकि दक्ष सोता रहता है तो मैं सारे काम आराम से कर लेती हूँ। बट राखी है तो वो भी दक्ष को लिए हुए है, लेकिन बहुत रोया था जब उसके पापा चले गए थे स्कूल और आध्या को भी साथ ले गए थे। आध्या जब भी स्कूल जाती है तो दक्ष सो रहा होता है तभी जाती है, और जब वो जग जाता है तो आध्या जब जाएगी तो बहुत रोएगी, बहुत ज़्यादा, मतलब वो रोएगा, दक्ष बहुत रोएगा कि दीदी कहाँ जा रही है। तो जब तक आध्या नहीं आती तब तक दक्ष को संभालना खिलाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बस टाइम नहीं है क्योंकि राखी है मेरे साथ में। एक हैंकी रखती हूँ, एक बॉक्स में खाना रखती हूँ, एक छोटा सा बॉक्स और है उसमें मैं फ्रूट्स रखती हूँ, तो यहाँ पे पानी की बोतल भी रख दूँगी। तो इस तरीके से बैग है आध्या का रेडी हो गया है, अपने हस्बैंड को दे दूँगी, हस्बैंड मेरा बैग लेकर आध्या को फिर बाद में नीचे भेजूंगी। ये रही आध्या, जा रही है स्कूल, हस्बैंड मेरे बैग लेके जा रहे हैं उसके लिए। सो कुछ ऐसा रहता है आध्या के साथ मेरा दिन सुबह का 6:30 बजे से लेकर और 8 बजे तक, और उसके बाद मेरा दूसरे बच्चे का रूटीन शुरू हो जाता है। अब इसके लिए कुछ बनाना है, कुछ खिलाना है। वैसे तो ये सब्जी पराठा ही खाता है सुबह उठकर, क्योंकि इसे भूख लगती है बहुत तेज, या फिर दूध दे दो, दूध से पेट नहीं भरता है। यहाँ पे राखी उसको बहुत मनाने की कोशिश कर रही है, गुस्सा कर रहा है, दीदी चली गई है, पापा चले गए हैं। सो मैं आ गई हूँ किचन में, इडली रखी हुई थी कल की बनी हुई, थोड़ी सी बच गई थी, तो आपके साथ मैंने जो वीडियो शेयर किया था इडली वगैरह बनाई थी तो वो बच गई थी, तो मैंने इसे दूसरे दिन इसको कट करके फ्राई कर लिया था। तो थोड़ा बहुत नाश्ते में मैंने भी खा लिया था, राखी ने खाया था, दक्ष को तो मैंने ऐसी दी थी बिना फ्राई की, क्योंकि दक्ष को फ्राइड वाली नहीं अच्छी लगती, ऐसी दे दो एक पकड़ा दो तो खाता रहता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, राई डाल के, हरी मिर्ची डाल के, हल्का सा नमक ऐड करके ये मैंने इडली फ्राई कर ली है, थोड़ी देर सोटे किया हुआ है इनको, और चाय के साथ में हम दोनों बहनों ने खाया है। सो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नया आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। हाय गाइस, तो आध्या स्कूल चली गई है। आज मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के साथ में वो शेयर करूं जो मैं वीडियोस में थोड़ा बहुत ही कैप्चर करती हूं। आज का जो वीडियो है इसमें मैंने आप लोगों को दिखाया कि आध्या का जो भी लंच बॉक्स बनाती हूं और किस तरीके से मैं अपने काम और आध्या को किस तरीके से मैनेज करती हूं, स्कूल कैसे उसको भेजती हूं, क्या क्या चीज़ें करती हूं, रेडी करती हूं,
उसके बाद भी मैं नाश्ता बनाती हूँ। फिलहाल इसमें थोड़ा सा चेंज इसलिए ये है कि मेरी बहन आई हुई है, सो मेरा थोड़ा सा काम मेरा हाथ वो बटा लेती है, झाड़ू लगाना, झाड़ू करना, ये सारा राखी कर लेती है। उठ के तब मैं किचन में लग जाती हूँ और उसके बाद आद्या को नहलाना, आज मैंने उसको नहला दिया था। नेक्स्ट कभी कभी आद्या को राखी नहला देती है, राखी तैयार कर देती है, तो आज मैंने उसे नहलाया है, राखी ने उसे तैयार कर दिया है। और वैसे तो रोज़ मैं ही नहलाऊंगी, मैं ही तैयार करूंगी, तो थोड़ा सा चेंज है बट अदरवाइज सेम रूटीन है मेरा रोज़ का। तो आज मैंने आद्या के साथ में आप लोगों को ये जो छोटा सा वीडियो शेयर किया है, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। और आगे आप कौन सा रूटीन देखना चाहते हैं, अगर आप मेरे अध्यक्ष का आद्या का रूटीन देखना चाहते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग एंड मॉर्निंग टू आफ्टरनून या फिर इवनिंग टू नाइट, किस तरीके का रूटीन देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और कौन सी वीडियोज देखना चाहते हैं मुझसे शेयर जरूर करना। बाय।